क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 जो हमारा है द्विघात समीकरण, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसे हम सॉल्व कर रहेंगे। मैं आपको बता दूं, मैंने इंग्लिश मीडियम की मैथमेटिक्स पूरी सॉल्व करा रखी है, चाहे तो आप देख सकते हैं। तो प्रश्नावली 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ये लिख रहा है किस विधि से, जिस विधि से बोला है उसी विधि से ही सरल करना है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणनखंड विधि मैंने चैप्टर नंबर 2 में भी आपको बता रखा है, ठीक है, जो आपका बहुपद वाला चैप्टर था। ठीक है, तो एनसीईआरटी को बगल में रखते हैं और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शुरू क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट का फर्स्ट, क्या है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 100 इक्वल टू 0, इसको हमें सरल करना है। ठीक, अब x का गुणांक देखो क्या है, x स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। अब नहीं है आपको, सॉरी 100 नहीं है यहाँ पर, 10 है। ठीक है, गुणा करने पे 10 आए और घटाने पे 3, ऐसी दो संख्या है लो जिनको गुणा करने पे 10 आए और घटाने पे 3, 5 2, 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आएगा और 5 2 की गुणा करोगे तो 10 आएगा नेगेटिव। तो 5x यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लगाना है, 2x। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी, माइनस अंदर गुणा कर देंगे, 5x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ध्यान से देखिए क्या स्टेप्स को, अब एक जोड़ा यहाँ से आ गया, एक जोड़ा यहाँ से आ गया। इस जोड़े से क्या कॉमन है जिसमें दोनों का भागा चला जाएगा, x का भागा इसमें भी जाएगा, x का भागा इसमें भी जाएगा, कम से कम यहाँ से दो में से एक एक्स बाहर आ गया तो एक एक्स बचा, और यहाँ से एक्स बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा, 5। यहाँ से क्या है जो दोनों में भागा जाएगा, दो का भागा इसमें भी जाएगा, दो का भागा इसमें भी जाएगा, तो दो को बाहर निकाला तो यहाँ से क्या बचा, एक्स, 2 5 10। ठीक है, देखो अगर ये और ये आपका बराबर आ रहा है, बराबर आना ही चाहिए तभी आपका सही हो रहा, नहीं तो गलत। तो जो दो बार आया है उसको एक ही बार लिखो, ये दो बार आया था उसको हमने एक बार लिख दिया, और जो आपने कॉमन निकाला था उसको दूसरे ब्रैकेट में 0। ठीक, फिर यहाँ क्या लिखना है, यदि इसको इस पद को 0 रखना है बराबर, अगर माइनस का 5 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5, फिर यदि अब इसको रखोगे x प्लस 2 का अगर 0 के बराबर रखोगे तो प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक, तो यही मूल निकालने के लिए बोले, मूल क्या होता है, जितना x की घात होगा उतने ही मूल निकलते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जब तक आपसे खुद से क्वेश्चन नहीं बनेंगे ना तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूँ उसको आप एक बार पूरा तो देखो ही, और वीडियो देखने के बाद उसे आपको खुद से बनाने की प्रैक्टिस करनी है। अगर फिर भी दिक्कत हो फिर से और एक बार वीडियो देख लो। अगला क्वेश्चन है 2x² प्लस का x माइनस के 6 बराबर 0, फिर से वही काम करना है, इसकी और इसकी गुणा होगी, 2 × 6 यानी कि 12। ऐसी दो संख्याएं लेनी हैं जिनको गुणा करें तो 12 आए और घटाने पर 1 आए, क्योंकि यहाँ पर देखो इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, अब क्या होता है वो दो संख्या 4 और 3, 4 और 3 की गुणा करोगे तो 12 आएगा, और 4 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, यहाँ से इसका गुणांक कितना है, 1। चार एक्स घटाने का चिन्ह था 3x माइनस 6। ठीक है, ढंग से लिख लेते हैं, 2x² प्लस 4x, यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें भी 2 का भागा जाएगा, इसमें भी 2 का भागा जाएगा, कम से कम तो 2 बार, इसमें भी x² है और इसमें x है तो कम से कम x का भागा दोनों में जाएगा, x बाहर निकल गया उभयनिष्ठ, तो 2 तो बाहर आ गया और x² से x बाहर है तो यहाँ क्या बचेगा, x, प्लस x तो ऑलरेडी बाहर आ गए हैं, अब 2 का भागा देना है इसमें, कितनी बार जाएगा, 2 का भागा 4 में दोगे तो 2 बार, 2 × 2 = 4। अब किसका, 3 का भागा दोनों में चला जाएगा,
तीन बाहर आ गए तो यहाँ से क्या बचेगा, केवल एक्स। हालांकि यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव नहीं लिखेंगे, क्यों क्यों क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि बाहर ऋण है तो अंदर का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है ब्रैकेट के अंदर। और तीन दुनी छः, देखो ये, और ये समान आ गया, यही हमें चाहिए था। जो दो बार है उसको क्या लिखना है, एक बार, और जो आपने कॉमन निकाला उसको दूसरे ब्रैकेट में। इसे ही बोलते हैं हम गुणनखंड विधि, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यदि इसको जीरो के बराबर रखोगे, एक्स प्लस टू बराबर जीरो, तो प्लस के टू इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के टू, तो ये हमें एक आंसर दे देगा। फिर से आपको क्या करना है, यदि इसको जीरो रखोगे, टू एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो, तो माइनस के तीन इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के तीन, और ये दो गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, तो ये दूसरा मूल आ जाएगा। अतः मूल बराबर दिस और दिस, ऐसे लिख दोगे, ठीक है, ये और ये है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा आराम से हो गया। तीसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अत्यधिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही बता रहे हैं, इसे काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए वही नियम चलेगा, इसकी गुणा इसके साथ करते हैं। देखिए अंडर रूट दो गुणा पाँच अंडर रूट दो, आपको बताइए अंडर रूट दो गुणा अंडर रूट दो क्या होता है, दो होता है, क्योंकि अंडर रूट हट जाते हैं, और गुणे में क्या है पाँच, तो दो पंच क्या आ गया, दस। ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनको गुणा करें तो दस आए, और जोड़े तो कितना है, सात। ये चिन्ह बताते हैं हमें क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ने पे कितना आना चाहिए, सात आना चाहिए। तो आपको पता चल रहा है, पाँच दूनी दस है कि नहीं, एक टू एक्स स्क्वायर सात एक्स, गुणा करने पे दस आना चाहिए, जोड़ने पे पाँच, दो पंजे दस, सो दो एक्स की चिन्ह कौन सा लगेगा, प्लस का, पाँच, पाँच एक्स, ठीक। अलग अलग ले लो, एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से, देखो एक्स यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, तो कम से कम एक्स दोनों में भागा जाएगा, उभयनिष्ठ निकालना है। और आपको पता है दो को हम क्या ले सकते हैं, अंडर रूट दो गुणा अंडर रूट दो, ठीक है, तो अंडर रूट दो इधर दिख रहा है, तो अंडर रूट दो यहाँ पर भी है, कम से कम अंडर रूट दो बाहर निकाल दिया, अंडर रूट पहले ही बाहर है, एक्स स्क्वायर से एक्स बाहर है, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स प्लस दो है यहाँ पर, अंडर रूट दो अगर आप यहाँ से निकाल लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, केवल अंडर रूट दो, और एक्स तो पहले ही बाहर है, देखो पाँच यहाँ, पाँच तो बाहर आ गया, यहाँ से क्या बचा, एक्स, पाँच ऑलरेडी बाहर आ गया था, तो यहाँ क्या बचा, अंडर रूट दो, ठीक। देखो यहाँ पर भी वही है और यहाँ पर भी वही है, जो दो बार है उसको हम एक ही बार लिखते हैं, और जो आपने कॉमन निकाला है वो दूसरे में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ क्या है, यदि इसको ले लो पहले जीरो के बराबर, एक्स प्लस अंडर रूट दो बराबर जीरो, तो प्लस के दो अंडर रूट इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब दूसरा ये ले लोगे, यदि अंडर रूट टू एक्स प्लस पाँच बराबर जीरो लोगे, तो प्लस का पाँच इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के पाँच, और ये जो गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में, ठीक, आराम से हो गया। चलिए चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, चौथा क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, टू एक्स स्क्वायर, ये देखिए, ठीक, टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वन अपॉन एट, ये चीज़ दे रखा है, तो पहले इसको सरल करना है हमें, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक लो, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक लो, लॉस ऑफ आ जाएगा, आठ को एक से गुणा करोगे तो आठ, एक अट्ठे आठ, पहले भगा देते हैं, या शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ मैं,
जब भी ऐसा हो ना, जब किसी के बट्टे में कुछ ना हो तो वही लॉस हो जाता है, तो इसकी गुणा इससे कर देना, 8 दूनी 16, और फिर 8 की गुणा इसके साथ भी हो जाएगी, -8x, और फिर इसे छुपा दो, लास्ट वाला ऊपर जो होता है वो यहाँ आ जाता है। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या ले लो 1, फिर क्या करो 3 गुना, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही रहते हैं, और 8 गुणा 0 क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। अब फिर से वही नियम लग जाएगा, इसके गुणा इसके साथ, 16 एकम 16, गुणा करने पे 16 आए और जोड़ने पे कितना है, 8, 4 चौके 16, और 4 4 चौके को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8। जोड़ का चिन्ह है 4x 4x। बाहर माइनस है तो अंदर से गुणा करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा, देखो 4 का भाग यहाँ पे भी जाएगा, 4 का भाग यहाँ जाएगा, 4 कॉमन, x2x, तो कम से कम x दोनों में, तो x भी कॉमन, उभयनिष्ठ, 4 चौके 16, x2 से x बाहर है तो क्या बचेगा, x माइनस, 4x पूरा बाहर आ गया तो 4x 1 कम 4x, जब पूरा बाहर आ जाता है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, 1। अब इसमें से देखो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है जिसका भाग दोनों में चला जाए, जब कुछ भी कॉमन ना आए तो सिर्फ 1 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखा, और देखो जब 1 लिखोगे तो जो अंदर जो यहाँ पे जो भी होता है उसको यहाँ उतार देना है, हालांकि प्लस है तो मैं लिख कह रहा हूँ माइनस, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या लगा है, माइनस। जो 2 बार है उसको कितनी बार लिखना है, 1 बार, और जो आपने कॉमन निकाला उसको दूसरे ब्रैकेट में, सेम सम आ गया। तो फिर क्या लिखेंगे, यदि 4x-1 0 के बराबर होगा तो -1 को 1 इधर आके क्या हो जाएगा, +k1, और ये जो 4 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में, फिर से यही चीज़ वो दे देगा दोबारा, क्योंकि ये चीज़ सेम थी, तो यहाँ से भी एक्स का मान क्या मिल जाएगा, 1/4। ये हमारे मूल हो जाएंगे, ठीक, आराम से हो, 5वें पार्ट में आ जाओ। ये 5वां पार्ट है हमारा, इसमें देखो इसकी गुणा इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो 100 एकम 100 क्या होगा, 100, गुणा करने पे 100 आए, ठीक है, और जोड़ने पे कितना है, 20, तो 10 2 10 10 हम 100, 10 और 10 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 20। जब भी माइनस हो तो ब्रैकेट लगा लेना, 10x +10x, ठीक है, अब माइनस है तो अंदर क्या कर देंगे, गुणा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, सिर्फ यहीं तक ही होगा क्योंकि ब्रैकेट सिर्फ यहीं तक ही लगा है, आप इसकी नहीं कर सकते क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, यहाँ से एक जोड़ा बन गया, यहाँ से एक जोड़ा बन गया, इस जोड़े में से क्या उभयनिष्ठ है, जो दिस उपनिष्ठ का मतलब जो जिसमें दोनों का भागा चला जाए, तो 10 का भागा इसमें भी जाएगा, 10 का भागा इसमें भी जाएगा, कम से कम x2 यहाँ है यहाँ x है, तो कम से कम x दोनों में भाग जाएगा, 10 दशम 100, x2 से x बाहर है तो क्या बचेगा, x, 10x पूरा बाहर है तो यहाँ क्या आएगा, 1, और यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं हो तो क्या होता है, उपनिष्ठ 1, और जो यहाँ होता है वही लिख देते हैं, प्लस है लेकिन लिखूंगा मैं माइनस, क्यों, क्योंकि बाहर नेगेटिव है, या फिर यहाँ देखो यहाँ जो लिख आना चाहिए यहाँ पर भी वही आना चाहिए, आप वो चीज़ समझ के भी फटाफट लिख सकते हो, तो जो 2 बार आए उसे हम क्या लिखेंगे, 1 बार, और जो आपने कॉमन निकालना है उसको दूसरे ब्रैकेट में, ठीक, तो फिर से दोनों सेम सेम आ गए, इसको पहले 0 के बराबर रखेंगे,
यदि 10x माइनस वन बराबर ज़ीरो तो माइनस के वन इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के एक, 10 गुणे में है इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में। ठीक, फिर इधर देखो, यदि 10x माइनस वन बराबर ज़ीरो तो ये भी वही चीज़ है, तो ये भी हालांकि क्या दे देगा, 1/10 आंसर। तो प्रश्न संख्या एक के पांचों पाठ हमने बड़ी आसानी के साथ कर लिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब उदाहरण एक देखते हैं कहां पर है। ये देखिए उदाहरण एक, ठीक है, इनको हमें हल करना है। अब कह रहे हैं जॉन और जिवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, ठीक है, उसके बाद ये सेकंड पार्ट करते हैं बाद में, पहले तो फर्स्ट निपटा लें। कह रहे हैं जॉन और जिवंती दो मित्र हैं उनके पास, ठीक है ना, एग्जाम्पल वन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर एक्स, इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी, 45 माइनस एक्स, ठीक। क्यों मैं बता रहा हूँ, एक ये राम है और एक श्याम है, ठीक है, दोनों को मिला के पास 10 रुपये हैं। अगर मैं बोल दूँ श्याम के पास 2 रुपये हैं तो राम के पास कितने रुपए हैं, आप क्या करोगे, 10 में से 2 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, वही काम मैंने यहाँ किया है, ठीक है। तो दोनों के पास कुल मिला के 45 थे, एक के पास एक्स और दूसरे के पास क्या होगा, 45 माइनस एक्स, ठीक, ओके। प्रश्नानुसार पांच कंचे खोने पर, दोनों पांच कंचे खो देते हैं तो जॉन के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, पहले एक्स था, खो देते हैं यानी कि कम हो गया, तो पांच और कम हो जाएगा यानी कि माइनस कर देंगे, ठीक। उसी प्रकार जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, पहले 45 माइनस एक्स था, पांच कंचे और खो देते हैं तो 45 में से 5 गया, क्या हो जाएगा, 40 माइनस एक्स, ठीक। फिर प्रश्नानुसार यहाँ लिखोगे, प्रश्नानुसार क्या बोला है कि खोने के बाद जो कंचों का गुणनफल होता है वो कितना होता है, 124। तो आप लिखोगे कंचों का गुणनफल कितना है, 124 है कंचों का गुणनफल। ये जॉन के कंचे हैं, ये जीवंत के कंचे हैं, इधर लिखो x माइनस 5 और ये है 40 माइनस एक्स बराबर कितना है, 124। एक्स के गुणा करेंगे हम एक्स में, देखो क्या हो जाएगा, एक्स को 40 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा, ये 40 है ना, 40x, एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, चिन्हों का भी ध्यान रखेंगे, प्लस का या माइनस का, माइनस एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स का काम होगा तो माइनस 5 से करेंगे, 4 5 20
माइनस माइनस प्लस के 5x बराबर 124। 40x और ये 5x कितने हो गए 45x। ये सारा का सारा उठा के मैं क्या करूँगा उस तरफ ले जाऊँगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। 124 था इधर, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया। अब इसको ढंग से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर पहले आएगा, फिर 45x आएगा, और ये 200 और 124 आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो यहाँ क्या जाएगा 324, ठीक हो गया। अच्छा, ये द्विघात समीकरण में मिला, अब इसको हल करना है हमें। कुल मिला के द्विघात समीकरण क्या मिला है हमें, एक्स स्क्वायर 45x प्लस 324 बराबर 0, ठीक है ना, ये मिला है हमें। अब इसको क्या करना है, हल करना है, ठीक, इसको क्या करना है हमें, हल करना है। अब देखो वही नियम, इसके गुणांक में कुछ नहीं है तो एक है, इसके गुणा इसके साथ 324 को एक से गुणा करोगे तो कितना आएगा 324, गुणा करने पे 324 है और जोड़ने पे 45 है, ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी आपको दुविधा हो क्या करना, आप गुणनखंड कर देना, दो एक कम दो, दो छंग 12, दो दूनी 4, दो अट्ठे 16, दो एक कम दो, फिर 3 दूनी 6, 3 सत 21, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एक कम 3। अब यहाँ से आपको जोड़े बनाने हैं कि जोड़ने पे आपको कितना मिल जाए, 15, दो दूनी 4, 6 तिया 12, 3 तिया 9, 12 तिया 36, ठीक है, यहाँ तक 36 आ गया, 36 और 9 कितने होते हैं 45, ठीक है, बन गया जोड़ा। एक्स स्क्वायर क्या लिखोगे, 36x, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 9x 324 बराबर 0, माइनस अंदर गुणा कर देंगे, ठीक, ये हो गया एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से। इस जोड़े से क्या कॉमन है, सिर्फ x, ठीक, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से x बचेगा और ये x दोबारा आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 36, 9 है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, स्मार्ट बनना है आपको, स्मार्ट क्या बनना है कि यहाँ x है, हल उसके अलावा तो हल होगा ही नहीं, यहाँ तो आना ही चाहिए x, x कब आएगा तो क्या कॉमन आएगा, 9 कॉमन आएगा। और बिना सोचे समझे इधर गुणा गुणा मत करो, बिना सोचे समझे यहाँ पे जो लिखा है वो लिख दो। अब ये जो दो बार होता है उसको क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं, दूसरा जो कॉमन निकाला है वो दूसरे ब्रैकेट में आ जाता है। तो यदि x माइनस 36 बराबर 0 इसको लेंगे तो ये माइनस के तरह के क्या हो जाएगा, प्लस का। यदि x माइनस 9 बराबर 0 लोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9, ठीक है ना, आराम से हो गया। सो दो केस बनेंगे, जब x बराबर 36, 36 लोगे तो जॉन के पास पहले कितने कंचे थे 36, यानी कि जॉन के पास कितने हैं 36 हैं, ठीक है, और जीवंती के पास क्या होंगे, जीवंती के पास 45 माइनस एक्स था तो 45 में से एक्स घटाओगे तो कितना आएगा, 9। तो जब एक्स बराबर 36 होगा तो ये आंसर आएगा, जब एक्स बराबर 9 होगा तो जॉन के पास 9 कंचे होंगे और जीवंती के पास 36, क्योंकि 45 में से हम 9 घटाएंगे तो 36 ही आएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा पहले पार्ट का, ठीक। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट के, उदाहरण एक के सेकंड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है,
किसी एक दिन कुल निर्माण की लागत 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि देखो, जो एक खिलौने का जो मूल्य है, जो प्रत्येक खिलौनों का जो मूल्य है, 55 में से एक दिन में जितने खिलौने बनाए जाते हैं उनको घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। तो मान लेते हैं, माना एक दिन में निर्मित खिलौने कितने हैं एक्स। ठीक, तो फिर यहाँ के लिए कोई प्रश्नानुसार एक खिलौने का मूल्य वो क्या हो जाएगा कि 55 माइनस एक्स होगा एक खिलौने की कीमत। ठीक, 55 माइनस एक्स हो जाएगा। अब एक दिन में जो कुल खिलौने की लागत है वो कितनी है, 750 है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, दुकान गए आप टॉफ़ी खरीदने, मैं बता रहा हूँ एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये है, आपने 5 टॉफ़ी खरीदे, तो आप दुकानदार को कितने रुपए दोगे, 10 रुपए दोगे। कैसे निकाला, एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये है, 2 को मैंने 5 से गुणा कर दिया तो आपको 10 रुपये मिले। अब दिन में बनते हैं एक्स खिलौने और एक खिलौने की कीमत इतनी है, एक दिन में टोटल जो कितने खिलौने बनते हैं उसकी कीमत इतनी है, यानी कि इसको और इसको जब गुणा करेंगे तभी तो मुझे को 750 मिलेगा, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, एक्स गुणा 55 माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 750। एक्स से गुणा कर दोगे अंदर, तो अंदर कितना हो जाएगा, 55x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 750। ये चीज़ इधर आके क्या हो जाएगी, चिन्ह बदल देगी, माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और ये तो पहले से यही था। अब ये द्विघात समीकरण आ गई है, हल करना है। देखो, इसका गुणांक कुछ नहीं तो एक है, एक के गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा, 750, क्योंकि एक को किसी भी संख्या से गुणा करते हो तो वही रहता है कि नहीं। अब गुणा करने पे 750 है और ये चिन्ह क्या है, प्लस का, और जोड़ने पे कितना दे, एक्स का गुणांक दो कितना दे, 55। वो हमें देखना है। सोचिए कि गुणा करने पे 750 आना चाहिए और जोड़ने पे 55, क्या हो सकती है वो चीज़। चलिए सरल करते हैं, यहाँ लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस के 55 750 बराबर 0। वही नियम, पता ही नहीं है हमें क्या, क्योंकि बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर काटेंगे, यहाँ पर 5 एकम 5, 5 5 25 0, 5 3 15 0, 3 1 कम 0, 2 5 5 1 कम। ठीक, अब देखो जोड़ने पे कितना चाहिए, 55, तो 55 देखे कैसे मिल सकता है, 5 बचे 25। ठीक है, 25 दुनी 50, नहीं बात नहीं बनी। फिर देखो 55 आना चाहिए, 5 दुनी 10, 10 3 30, ठीक है 30 हो गया, और 5 बचे 25, ये बन गया, तो 30 और 25। ठीक है, 30x और क्या हो जाएगा, 25x। अब माइनस अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस के 30x माइनस के 25x प्लस 750 0। ठीक है, माइनस अंदर गुणा कर दिया हमने, एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से, इस जोड़े से क्या कॉमन है, x, अंदर क्या बचेगा, x और यहाँ से 30। देखो यहाँ x चाहिए तो कॉमन क्या आएगा, 25, बिना सोचे समझे जो भी लिखा है अंदर यहाँ लिख दो, टाइम बचाओ। जो 2 बार है उसको हम क्या लिखते हैं, 1 बार, और जो अपने कॉमन निकालना है उसको दूसरे ब्रैकेट में। ठीक, तो एक बार इसको 0 लोगे, यदि x-30 बराबर 0 तो x का मान क्या होगा, 30।
फिर दूसरा, यदि x माइनस 25 को 0 रखोगे तो ये माइनस के 25 रखे क्या हो जाएगा, प्लस के 25। तो इसमें भी केस बनेगा जब x बराबर 30 और जब x बराबर 25। मैं एक बार आंसर पीछे चेक कर लेता हूँ। हाँ, 25 और 30 ही है आंसर। ठीक है, तो आपके लिए कोई यदि एक्स बराबर 30, तो एक्स किसको माना था हमने, कुल कुल बर्तन, ठीक है, और एक बर्तन का मूल्य क्या होगा उस टाइम पे, 55 माइनस एक्स, तो 55 में से 30 घटाओगे तो क्या जाएगा, 25। तो एक बर्तन का मूल्य कितना होगा, 25 रुपये। इसी प्रकार जब एक्स बराबर 25 मानोगे तो कुल बर्तन की संख्या 25 आएगी और एक बर्तन की लागत कितनी हो जाएगी, 30 रुपये। ऐसे ही सेकंड के हिसाब कर लेना नीचे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उदाहरण नंबर एक के सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे हैं, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक, ये चीज हमें ज्ञात करनी है। तो ऐसा ही क्वेश्चन है तीसरे की तरह। माना एक संख्या या प्रथम संख्या क्या है, एक्स, दोनों संख्याओं का योगफल 27 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अभी मैंने आपको बताया था उदाहरण देखिए 45 वाला, है ना। अगर दोनों संख्याओं का योगफल 27 है, अगर एक एक्स है तो दूसरी क्या होगी, 27 माइनस एक्स। प्रश्न अनुसार क्या बोला है, इनका गुणनफल कितना है, 182, यानी इसकी और इसकी गुणा करते हैं तो 182 आता है। गुणा कर दो अंदर, 27x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 182। तो ये उसको उठा के उधर ले जाऊँ, माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, ये प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये तो प्लस का ही रहा। गुणांक एक होगा, गुणा करने पे कितना है, 182, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 27। तो वो दो नंबर क्या होंगे, 14 और 13, जिनको आप जोड़ोगे तो 27 आएगा और गुणा करोगे तो 182 आएगा। चिन्ह क्या है, प्लस, माइनस है तो अंदर गुणा कर देंगे, यहां से एक जोड़ा, यहां से एक जोड़ा, इस जोड़े से क्या कॉमन है, जो दोनों में भागा जाएगा, एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स बाहर है तो एक्स बचेगा, और यहाँ से 14, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, चूंकि यहाँ एक्स है, एक्स इकलौता तब रहेगा जब 13 कॉमन आएगा, और बिना सोचे समझे यहाँ पर जो है वो यहाँ लिख दो। ठीक, यही आएगा, जो दो बार है उसे हम क्या लिखते हैं, एक बार, और दूसरे ब्रैकेट में जो आपने कॉमन निकाला है वो चिन्ह सही। यदि x माइनस 14 बराबर 0, तो माइनस के 14 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 14। यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो माइनस के 13 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 13। तो वही केस दो बन गए। यदि x बराबर 14 तो प्रथम संख्या क्या हो जाएगी, तो यही प्रथम संख्या हो जाएगा, और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स था, तो 27 माइनस 14 करोगे तो दूसरी संख्या क्या जाएगी, 13। एक आंसर तो ये है, और फिर लिखोगे यदि एक्स बराबर 13, तो ये प्रथम संख्या हो जाएगी और द्वितीय संख्या क्या होगी, 27 माइनस एक्स, एक्स का मान कितना है, 13, यहाँ रख देंगे, 27 में से 13 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, दूसरे का आंसर। ठीक, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, क्लास टेंथ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फोर, द्विघात समीकरण। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखो क्रमागत बोला, क्रमागत का मतलब एक के बाद एक, और क्रमागत संख्या, दो क्रमागत संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो एक होता है। माना प्रथम संख्या x तथा क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी x प्लस वन। अगर एक संख्या दो है पहली संख्या, तो अगली क्या होगी, तीन होगी। तीन का भाई एक जोड़ने पर, तो पहली अगर x, दूसरी क्या होगी x प्लस वन होगी। प्रश्नानुसार क्या बोला, इनके वर्गों का योग ठीक कितना है, 365 है। तो देखो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, आपको पता ही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ एक्स की जगह ए है और बी की जगह वन, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, और इधर क्या है 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। एक का वर्ग एक ही होता है, और 2 1 कम 2, 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x ही रहेगा। ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। प्लस का एक घट जाएगा तो कितना बचेगा, 364। देखो दो दो सब में से क्या है, कॉमन भाग चला जाएगा, दो का भाग चला जाएगा, दो बाहर आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी दो बाहर आ जाएगा एक्स। 2 1 कम 2 16 हो गया, 2 8 16, 2 2 9 4, तो 2 1 गुणे में इधर आके क्या जाएगा, बट्टे में। जीरो के बट्टे में 2 क्या होता है, 0। जीरो के बट्टे में कभी भी कुछ हो तो वो हमेशा 0 ही रहता है। और ये तो अभी जस्ट अभी हमने हल किया था, यही चीज़ अभी हमने हल किया था, है कि नहीं। गुणा करने पे 182 है और घटाने पे 1 14 और 13, 14x, घटाने का चिन्ह है तो घटा दिया 13x। इस जोड़े में से क्या कॉमन है, x। यहाँ से x बचा, यहाँ से 14 आएगा, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 13। बिना सोचे समझे ये यहाँ आ जाएगा, तो जो दो बार है उसको हम क्या लिखेंगे, एक बार, और जो अपने अगल कॉमन निकाला वो यहाँ आ जाएगा। ठीक, यदि अब इसको पहले 0 रखते हैं, यदि x प्लस 14 बराबर 0, तो प्लस के 14 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 14, चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। और x माइनस 13 बराबर 0 लोगे तो माइनस का 13 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 13, प्लस के 13। धनात्मक पूर्णांक बोला था तो ये अमान्य हो जाएगा, क्यों, क्योंकि धनात्मक नहीं है ये ऋणात्मक है। तो x को हमने प्रथम संख्या मानी थी, तो प्रथम संख्या क्या आ जाएगा, 13। द्वितीय संख्या क्या होगी, द्वितीय संख्या हमारी थी x प्लस वन, यानी कि 13 प्लस वन यानी कि क्या आ जाएगा, 14 आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवे में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार को मानना पड़ेगा, ये अलग है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है पांचवा। ये हम पहले आपको मैं समकोण त्रिभुज बनाता हूँ, इसे बोलते हैं आधार, यहाँ 90 अंश का कोण होता है, और इसे बोलते हैं कर्ण,
और इसे बोलते हैं ऊंचाई, जिसे हम बोलते हैं लंब। तो मान लेते हैं कि आधार क्या है, एक्स है, तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, लंब यानी कि ऊंचाई कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि लंब कितना है, एक्स माइनस सात, और कर्ण हमें क्या दे रखा है, 13। चूंकि ये एक समकोण त्रिभुज है इसलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित होगी। तो क्या लिखोगे, त्रिभुज का नाम दे दो, ए बी सी, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। कर्ण कितना है, 13 वर्ग, लंब कितना है, एक्स माइनस सात का वर्ग, और आधार क्या है, एक्स का वर्ग। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक। 13 का वर्ग यानी कि 13 को 13 से गुणा करना है, ठीक है, 13 को 13 से गुणा करोगे तो आएगा 169। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2ab, फॉर्मूले में रख दिया, ए ये है ये बी है, और यहाँ से क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर धनात्मक है तो ये क्या हो जाएगा, 2x² 7 × 7 49, और यहाँ से 14x, ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक, ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया, सो यहाँ से 2x² माइनस के 14x, 9 में से 9 घटाएंगे 0, तो यहाँ से 2 120, 2 वनिष्ठ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 12, 0, यहाँ 2 गुणे में, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। ठीक, अब हल करना है गुणनखंड विधि से, गुणा करने पे कितना आएगा, 60। ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिसको गुणा करिए तो 60 आए और घटाए तो 7 आए, ये चिन्ह देखते हैं, घटाए तो कितना है, 7, तो 12 × 5 = 60, 12 में से 5 घटाओ तो 7 आता है, ठीक है, मिल गया, 12x माइनस 12 × 5 = 60, 5x, माइनस से खोल देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, ठीक। तो इस जोड़े से देखो क्या कॉमन आएगा, एक्स, और इस जोड़े से क्या कॉमन आएगा, 5। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, देखो ये चीज़ दोनों में, एक्स माइनस 12 और आ जाएगा एक्स प्लस 5 = 0, 2 गुणनखंड मिल गए। यदि एक्स प्लस 5 = 0 तो एक्स बराबर माइनस 5, तो यह अमान्य है क्योंकि लंबाई ऊंचाई चौड़ाई का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, ठीक है। यदि एक्स माइनस 12 = 0 तो एक्स बराबर क्या जाएगा, प्लस के 12, तो एक्स को हमने क्या माना था, आधार, तो ये हमें आधार मिल गया, और ऊंचाई हमारी क्या थी, ऊंचाई हमारी थी एक्स माइनस 7, ये हमने माना, ये था ना हमारे पास ऊंचाई एक्स माइनस 7, तो 12 - 7 यानी कि 5, आंसर 5 मीटर, ठीक। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने उदाहरण में अभी किया था, कह रहे हैं एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या तथा
लगता है, प्रत्येक नग, नग मतलब होता है बर्तन की लागत ज्ञात कीजिए। तो जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होता है उस पर आप अंडरलाइन किए हो, यहाँ तो बर्तनों की संख्या की दुगने से तीन अधिक थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ लिख लेंगे माना बर्तनों की संख्या एक्स, प्रश्नानुसार एक बर्तन की कीमत क्या बोला है क्वेश्चन ने, बर्तन की कीमत क्या है, बर्तन जितने बनते हैं बर्तनों की संख्या के दुगने से तीन अधिक थी, बर्तन की संख्या के दुगने यानी कि 2x से तीन अधिक थी, ये एक बर्तन की कीमत है। एक बर्तन की कीमत इतनी है और एक दिन में इतने बर्तन बनते हैं, तो कुल बर्तन की लागत क्वेश्चन में कितना दे रखा है 90, यानी इसको और इसको गुणा करने पर कितना मिलेगा 90। ठीक, एक्स को अंदर गुणा करेंगे तो एक्स गुणा एक्स एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 3x, प्लस के 90 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 90, गुणा करने पर 80 आए और घटाने पर 3, गुणा करने पर 180 आए और घटाने पर क्या आ जाए 3, सोचो क्या होगा, 90 दुनी 180 होता है ना, तो यहाँ लिखना है 180, तो नंबर 18 0, ठीक। अब देखो 3 3 9, 2 2 4, 4 5 20, 20 में से 9 के नहीं हो रहे हैं, फिर देखो 3 3 9, 9 5 45, 45 में से 4 घटाएंगे नहीं, फिर भी नहीं बना, 3 आना चाहिए घटाने पर, ठीक है। 2 9 18 0 45, 5 9 3 3 9 3 कम, ठीक है। फिर देखो 5 3 15, ठीक है 5 3 15, और 6 6 3 18, हाँ 18 और 15, ये देखो 2 2 4, 4 3 12, ये 12 हो गए, और ये 5 3 15, 15 और 12, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 15 में 12 को गुणा करोगे तो 180 आएगा। पंद्रह एक्स माइनस के 12x, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, इस जोड़े से क्या कॉमन आएगा, यहाँ 15 है ठीक, तो सिर्फ x कॉमन है इसमें से, तो यहाँ से 2x बचेगा ठीक, और यहाँ से सिर्फ 15 माइनस, तो 6 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, 6 2 12 आएगा ना, तो 2x जो कि बाहर नेगेटिव है तो अंदर प्लस आ जाएगा, 6 का भागा 15, 90 में दोगे तो 15 बच जाएगा, तो जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे, और जो आपने कॉमन निकाला वो यहाँ आ जाएगा। ठीक, अगले स्टेप में क्या होगा, यदि 2x प्लस 15 बराबर 0, तो प्लस के 15 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 15, और x का मान आ जाएगा ये चीज़, ये गोले में था ये बट्टे में आ गए, ये अमान्य है क्योंकि बर्तनों की संख्या कभी भी माइनस पे तो नहीं होगी ना। पुनः यदि दूसरा फैक्टर ले लोगे x माइनस 6 बराबर 0, तो माइनस के 6 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 6, तो एक दिन में कितने बर्तन बनते हैं 6 बर्तन, और एक बर्तन का मूल्य वो क्या था, वो था 2x प्लस 3, और x का मान कितना है 6 है, 2 6 12 3, तो एक बर्तन का मूल्य कितना है 15 रुपये, ये आपके आंसर आ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।